आज हम लिमिट पॉइंट एंड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट क्या होता है? ए नंबर एल इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस एन। एन हमारे पास सीक्वेंस है, उसका एक पॉइंट एल लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए एन, ये एल को सीक्वेंस का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर एल के जो नेबरहुड में ए एन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर कंटेन करने चाहिए। जैसे हम कोई ओपन जो हमारे पास है इंटरवल उसकी बात करें ए टू बी, तो ए का कोई नेबरहुड ले रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास ए बी के क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो ए नेबरहुड ए क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही बी, ऐसे ही जो ए बी के एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट, यानी क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट का सेट। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। लेट ई एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पी बी ए रियल नंबर इफ हेयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ पी विच कंटेन ओनली फाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस देन पी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट। यदि हमारे पास क्या देखा, हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। यदि एक भी नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसमें अंदर फिनिट टर्म्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एक हमारे पास थ्योरम होती है, वो होती है बोल्ज़ेनो-वाइस्ट्रस थ्योरम। ये क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। जैसे कि ए एन है, वो ये होना चाहिए कि इसका अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होना चाहिए, तो हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो ये सीक्वेंस के पास क्या होगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा। अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है, उसके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम लिमिट के बारे में जानेंगे। लिमिट की होती है डेफिनेशन कि ई एन कोई सीक्वेंस है, तो हमारे पास एक रियल नंबर एल इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल का मोड होगा वो लेस देन एप्साइलन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। एन नॉट का है एप्साइलन का फंक्शन होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। तो ये ऐसे हो गया कि यदि हमारे पास एन नॉट से बड़ी संख्या है कोई एन, तो उसके लिए जो एल होगा उसके नेबरहुड में जो एन से एक्स एन पे एन नॉट, एक्स एन नॉट जो टर्म आएगा उससे बड़े सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एल के नेबरहुड में आने चाहिए। ए सीक्वेंस कैन हैव एटमोस्ट वन लिमिट। लिमिट होती है वो हमारे पास एक ही होती है, यूनिक होती है, जबकि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट हैव लिमिट। हमने पढ़ा था कि अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है उसके पास लिमिट नहीं होती है। इट हैज़ नो लिमिट बिकॉज इट इज़ अनबाउंडेड, बट इट हैज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ए नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव लिमिट। अनबाउंडेड होती है उसके पास तो लिमिट नहीं होती, पर नॉन मोनोटोनिक मतलब ना जैसे इंक्रीजिंग नहीं है या फिर डिक्रीजिंग नहीं है, तो वो क्या होता है, उसके पास लिमिट हो सकती है। ए बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट हैव लिमिट, कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट तो होता ही है मिनिमम एक, पर लिमिट का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही हमारे पास ये सीक्वेंस ही क्या है, प्लस वन और माइनस वन के बीच बाउंडेड है, पर दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, तो दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट नहीं होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ा, लिमिट होती है वो यूनिक होती है, एक ही होती है। इफ़ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज़ यूनिक देन इट इज़ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जैसे हमारे पास ए वन अपॉन एन जो सीक्वेंस है उसमें एक ही लिमिट पॉइंट होगा जीरो, जो कि क्या होगा, लिमिट। इफ़ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस आर मोर देन वन देन सीक्वेंस कैन नॉट हैव लिमिट, एंड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बट कन्वर्सली नीड नॉट ट्रू। लिमिट होती है, यूनिक होती है, तो वो लिमिट पॉइंट भी होता है, परंतु लिमिट पॉइंट का लिमिट होना ज़रूरी नहीं है।